M4U न्यूज़मैन में हूँ आपके साथ अंशु। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दे दी है, वहीं दूसरी तरफ खेतों में लबालब पानी भर जाने से धान की रोपाई के कार्य में भी तेजी आ गई, जहां किसानों के लिए बरसात अमृत से कम नहीं मानी जा रही। ये बरसात अमृत से कम इसलिए नहीं है कि धान की अगेती फसल करने वाले किसानों ने खेतों में बेड़न की रोपाई शुरू कर दी है। वहीं तेज बारिश और जलभराव से सब्जी वर्गीय फसलों को नुकसान भी हुआ है। दिखाते हैं पूरी खबर। रविवार की सुबह से ही बदली छाई है और रुक रुक कर तेज बरसात हो रही है। बरसात ने अन्नदाता किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बरसात से काफी ज्यादा परेशान हैं। मौसम के बदले मिजाज ने जहां किसानों को खेती की ओर लौटा दिया है, वहीं गांव में इस समय कुछ गलियों में लबालब पानी भरा हुआ है, जिससे उस गली से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह लोग गंदे पानी व कीचड़ से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां संक्रामक बीमारियां सहित जंगली जीव जंतुओं का भी खतरा लगातार बना रहता है, गली में ढलान होने की वजह से लगभग बाजार का सारा पानी बहकर उसी गली में भर जाता है, जिससे उस गली में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। अभी तक एक खाली पड़े प्लॉट में सारा पानी चला जाता था, जिससे किसी को परेशानी नहीं होती, लेकिन प्लॉट स्वामी ने अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य करा लिया, जिससे पानी निकलने का रास्ता भी बंद हो गया। वहीं गली में नाली न होने से भी काफी समस्या उत्पन्न होती है। गली में गंदा पानी भरने की वजह से संक्रामक बीमारियों के खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने से कतरा रहे हैं। अयोध्या से मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल का आइकन दबाए, जिससे सभी न्यूज आपको टाइम पर मिले। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।